समझ में आए। बात यह है, एक आदमी एलईडी इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट, IIT दिल्ली गोल्ड मेडलिस्ट एंड मास्टर्स, और आप तीसरा सोचिए उस आदमी ने सैटेलाइट सबसे नीचे रखे कैसे कैप्चर किया जाता है, उसकी रिसर्च किया, तो नासा ने 2000 और 2002 में उनको $200,000 की पगार ऑफर की, 2002, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफेंस डिपार्टमेंट ने उनको बोला कि आप हमारी आप आके प्रोजेक्ट लीजिए। आप सोचिए कितनी बड़ी प्रतिष्ठा, कितना बड़ा जॉब और कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन। और वो लड़के को तीन गलत दोस्त मिल गए, तीन, पहले ने सिगरेट पीना सिखाया, दूसरे ने ड्रिंक्स लेने सिखाया और तीसरे ने बाकी सब कार्यक्रम सिखाया। और उसमें क्या हुआ, वो लड़के की शार्पनेस खत्म हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन उसका खत्म हो गया और जो धीरे धीरे भटक गया। और हालत यह हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी अपने प्रमोशन और प्रक दिए हुए थे वो सब ले लिए। और ये हालत हो गई कि नासा को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने उसको, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, वो लड़का गोमतीपुर अहमदाबाद में 15,000 की नौकरी कर रहा है आज, स्टिल टुडे। आप थिंक रिच, यूथ इज द टाइम फॉर रिच। जवानी का समय जो है ना, पैसा कमाने का, अच्छा करने का, स्वस्थ रहने का समय है। कुसंगत मत पालिए, आदमी को कैंसर हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, उसका इलाज है, पर कुसंगत का कोई इलाज नहीं। तो कुसंगत मत करना। दूसरा आप सोचिए, मदुरई की स्कीम, मदुरई में जब 24 मार्च 2020 को एकाएक अपने लॉकडाउन हुआ तो मजदूर, जो प्रवासी मजदूर थे ना, मदुरई से तमिलनाडु में जा रहे थे, तो 13 साल की एक नेत्रा है, उसके पिता का नाम था सी मोहन है, इन दोनों ने, ये लड़की को UPSC का एग्जाम देना, तो इसके पिता सलून चलाते हैं, तो इन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की कि मैं, मेरी बेटी को 5 लाख रुपया उसने इकट्ठा किया, मैं UPSC का एग्जाम दूंगा, और 5 लाख रुपया उन्होंने इकट्ठा किया। और आप सोचिए, वो जब प्रवासी मजदूर जा रहे थे, जेब किसी के पाँव में चप्पल नहीं, बच्चों के दूध नहीं, बिलकते रोते किसी के कपड़े, वो नेत्रा का दिल फंसीस गया, वो नेत्रा से रहा नहीं गया, और वो नेत्रा ने क्या किया, अपने फादर के पास गई, बोले फादर मेरा मन ये कहता है कि इनकी हेल्प करनी चाहिए, बेटा बोले विचार तो अच्छा है, बोले नहीं, आपने जो मेरे लिए 5 लाख रुपये रखे हैं ना, वो 5 लाख रुपये इनको आप खिला दो। बोला बेटा मेरे जिंदगी में और कोई सोर्स नहीं है और मेरे पास कोई कमाई नहीं है। बोले जो भी होगा भगवान देखेगा, पर ये जो 5 लाख रुपया आपने मेरा रखा है ना, आप इन बच्चों, बोले तू सोच ले, तू सोच लो, मुझे कोई प्लीज। और आप ये सोचिए कि उस लड़की ने मोहल्ले की लेडीज को इकट्ठा किया और फूड पैकेट्स बनवाई और पूरा का पूरा 5 लाख रुपया उसमें बांट दिया। आप ये सोचिए, वो बात वहां के प्रेस में छपी, मीडिया में गई और बात PMO तक पहुंच गई, और मोदी साहब ने मन की बात में उस बात को हाईलाइट किया, कैसे गरीब लड़की और 13 साल की बच्ची ने कैसे गरीबों के लिए अपना पूरा पैसा दान दिया। वो बात पहुंची UN और UN ने उसको गुडविल एम्बेसडर बनाया, UN ने उसको गुडविल एम्बेसडर बनाया। और वो लड़की आज 14 साल की बच्ची एसोसिएशन फॉर पूर UN की एम्बेसडर है और देश विदेश में घूमती है। और आप सोचिए कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पूरी उसकी जितनी पढ़ाई है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। और आप सोचो नेक्स्ट स्टेज, अपने लौकिक सोचेंगे भी अगले का 5 लाख गया, आज वो करोड़पति और प्रख्याति के और फेम के मामले में तो वो अरबपति। तो जीवन में है ना सर, जहां भी जाते हैं ना, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। हॉवर्ड अभी कहती है, हॉवर्ड ये कह रही है कि जब तक आप लोगों का अच्छा सोचते हैं ना, आपके अंदर 1200 केमिकल्स निकलते हैं और वो 1200 केमिकल्स आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जिंदगी में है ना साहब, कोई कुछ भी बोले, नेगेटिव आदमी के पास मत रहिए, सिर्फ अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छा ही सोचिए। बोलो अंकुर नमक असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।